हमारी सिफारिशें मानी जाए। केंद्र में भी यही दिक्कत है, राज्य में तो है कि राज्य आयोग महिला आयोग को सिफारिशें मानी नहीं जाती, केंद्र में भी यही दिक्कत है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने जितनी सिफारिशें दी है वो सब सिफारिशें मानी गई, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट पे थी, चाहे वो एसिड थ्रोइंग पे थी, सब मानी है। और अभी जो लेटेस्ट जस्टिस वर्मा कमेटी के सामने उसमें से बहुत सिफारिशों को ऐड किया है अपने उसमें। मैम आयोग मानता है कि क्या उनके अधिकार बढ़ाए जाने चाहिए, सिर्फ उनका अधिकार अनुशंसा करना है? हाँ, ये मैं जरूर मानती हूँ कि आयोगों के अधिकारों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आयोग जो बने हैं वो इसीलिए बने कि कानूनों में अमेंडमेंट क्या हो क्या नहीं हो, किस तरह से जो सिक्योरिटी महिलाओं की है उसके प्रोग्राम्स बनाए जाएं, किस तरह से गांव तक पहुंचा जाए, ग्रास रूट तक पहुंचा जाए, ये सब इसलिए बना है। तो मैं समझती हूँ कि आयोगों को अधिकार और देने चाहिए। आयोग की गांव तक पहुंचने की प्लानिंग है कोई? आयोग की ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचने की कोई प्लानिंग है क्या? बिल्कुल प्लानिंग है, हमने जो अभी मैंने जो कमेटी बनाई है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो महिला अधिकार अभियान का मैंने जिक्र किया था उसका हमने एक एक दिन दिया है शहर को और एक एक दिन दिया है ग्राम पंचायतों को, तो वो हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा। हमने कॉल सेंटर हेल्पलाइन 24 आवर्स कॉल सेंटर मध्य प्रदेश में चलाया, वो हमारा बहुत सफल रहा। तो कई पायलट प्रोजेक्ट ऐसे थे कि हमारे बहुत सफल गए। और अभी आपने पूछा था ना, हाँ हमने जो कमेटी बनाई है उसमें एक मदर एनजीओ होगी, वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट की एनजीओ को लेगी और एक एक एनजीओ को मतलब हजारों एनजीओ को जोड़ के और हम गांव तक पहुंचे। आपकी प्लानिंग है ग्रामीण क्षेत्र की, बड़ा सवाल आ चुकी है कि मतलब जो जुबिनाइल नाबालिग जो आरोपी है दिल्ली केस का, उसके संदर्भ में आपने एक बात कही थी कि सर्टिफिकेट बहुत सारे फर्जी आ जाते हैं, चले जाते हैं और कई लोग आ जाते हैं, क्या आपको लगता है कि उस केस में भी कहीं आरोपी का जो बिल्कुल मुझे लगता है सर्टिफिकेट है उसमें, उसके लिए संवेदनशीलता की कोई जरूरत नहीं है जितना ब्रूटल क्राइम उसने किया है। और सारा जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस आए हैं, उसमें इनिशिएटिव इसी बच्चे का था, इसी लड़के का था। तो उस बच्चे की क्या, उस बच्चे के आपके हिसाब से क्या वो फर्जी हो सकते हैं? बिल्कुल फर्जी हो सकते हैं, इसका बोर्ड टेस्ट होना चाहिए। क्या उम्र होने चाहिए मैडम? नाबालिगों पे फिर से विचार होना चाहिए। देखिए उम्र पे भी विचार होना चाहिए, इसको 16 साल ही कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का क्राइम चल रहा है वो क्राइम अब असहनीय क्राइम है। जिस तरह से अभी दामिनी का केस हुआ, ये इस तरह के केसेस बहुत मेरे ख्याल से गांव में हो भी जाते होंगे तो हमें पता नहीं चलता। ये तो दिल्ली का एक